तो सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज संडे का दिन है तो फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली हमारे जो हम अपने टेरेस गार्डन पे जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनमें बीमारियाँ लग जाती हैं बहुत जल्दी। तो वैसे तो मार्केट में आप बहुत सारे आपको केमिकल स्प्रे मिल जाते हैं पर वो इतने जहर होता है उसमें कि हम अपने खाने की चीज़ों में नहीं उसको यूज कर सकते। तो उसी के लिए आपके लिए एक ऐसी अच्छी सी मैं दवाई ढूंढ के लाया हूँ घरेलू और जिसे कहे तो एकदम देसी जुगाड़, जिसे आप अपने किचन गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो उसमें स्प्रे कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और पहले के समय जो किसान थे वो भी यही यूज करते हैं फॉर्मूला। तो दोस्तों एकदम जुगाड़ू देसी एकदम है। तो चलिए पहले आपको कुछ बीमारियां दिखाते हैं अपने प्लांट पे चल के, वहीं सारी बात करते हैं। उससे पहले आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा टमाटर का पौधा आप देख सकते हैं, इसे बीमारी ने बहुत अच्छे से जकड़ लिया है। अब हम इस पर कोई भी दवाई अगर इस पर डालते हैं तो ये दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता है प्लांट। अब इस प्लांट को हटाना अच्छा होगा, नहीं तो ये हमारे और प्लांटों में बीमारी लग जाएगी और हमारे और प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे। तो टमाटर के प्लांट बहुत नाजुक प्लांट होता है जिसे हमें समय समय पे इसमें हमें दवाई डालनी होती है। तो आप देख सकते हैं अब ये इसको हमें हटाना होगा। एक हमें आपको दूसरा अपना टमाटर का प्लांट दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये इसमें स्टार्टिंग हुई है तो हमने इसे रिकवर कर लिया है लगभग। तो इसमें मैं वही फर्टिलाइज़र जो है कि इसमें डालता हूँ जो पेस्टिसाइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग अब बच चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने इस प्लांट को बचा लिया है। तो दूसरा प्लांट आपको दिखाते हैं जिसे मैं शुरू से ही देते हुए आया हूँ, जिससे वो प्लांट में अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी है। तो चलिए वो आपको प्लांट दिखाता हूँ टमाटर का। तो देखिए दोस्तों ये है वो प्लांट हमारा टमाटर का। तो इसे दोस्तों मैंने शुरू से ही इस पे मैंने वो जो चीज़ है कि छिड़कते हुए आया हूँ, इससे इसके पत्ते पे अभी तक कोई बीमारी नहीं आई है। हर हफ्ते इस पे मैं उसका एक बार स्प्रे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, जिससे हमारे पौधे को जो है कि फूड भी मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आपको वो चीज़ दिखाते हैं वो चीज़ क्या है। तो वीडियो में आप बने रहिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वो चीज़ भी आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए एक ये हमारा टमाटर का प्लांट है। तो इसकी जब मैंने आपको दिखाया था ये टमाटर का प्लांट हमने लगाए थे तो उसकी वीडियो भी हमने अपलोड की थी। तो आप देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा। तो आप इसके पत्ते देख सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए ये है वो चीज़, ये है तम्बाकू। तो आपके आस पास आपको किसी दुकान पर तम्बाकू मिल जाएगी तो आप ये तम्बाकू ले आइए और इसको एक पानी में घोल के रखिए। और ये देखिए इसमें हल्दी है, हल्दी पानी, और ये तम्बाकू में आपको चूना भी डाल देना है। तो ये दोनों आइटम आपको 24 घंटे के लिए छोड़ देने हैं। 24 घंटे के बाद आपको ये स्प्रे बोतल है इसमें छान के डालना है। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपको छान के डालना होगा। तो दोस्तों हमने छान लिया है, ये देखिए बचा हुआ हिस्सा है और जो हमने छान के निकाला है जो कि 24 घंटे पहले हमने रखा था, तो वो देखिए इसमें हमने डाल लिया है। और इसमें हम थोड़ा पानी और मिलाएंगे। आप 50-50 का हिस्सा रखें, 50% या 50% पानी मिलाएं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए हमने इसमें तैयार कर लिया है स्प्रे। तो अब हम इसको अपने प्लांट पे स्प्रे करने के लिए तैयार है। तो हफ्ते में आप एक बार ज़रूर यूज करें। जो प्लांट ऐसे जिनमें बीमारी बहुत जल्दी जल्दी लगती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे टमाटर के प्लांट हो गए। और भी आप अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप इस जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रहा हूँ
ये फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है। इससे जो कीड़े मकोड़े, जो बहुत छोटे इंसेक्ट होते हैं जो हमें आँखों से खुली दिखते नहीं है, वो सब इससे किल हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। तो मैं अपने सभी प्लांटों पे देखिए स्प्रे कर रहा हूँ, और ये हमारा छोटा सा है प्लांट, इस पर भी हम स्प्रे करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये हर हफ्ते आपको करते रहना है कंटिन्यू। और आपको बीमारी का इंतज़ार नहीं करना है कि जब हमारे प्लांट पे बीमारी आएगी तभी हम इसको स्प्रे करेंगे, क्योंकि बीमारी एक बार लग जाती तो पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हम इस पर भी हमने स्प्रे कर दिया है, हम इस पर पंप कर लेते हैं, और तो हम अपने दूसरे प्लांट पे भी स्प्रे करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्लांट। दोस्तों, इस पर जब फ्रूटिंग होगी तो भी हम आपको इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। फ़िलहाल जब हमने इसकी सीडलिंग की थी और हमने जब इनको ट्रांसप्लांट किया तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो आपने नहीं देखी तो अभी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा, तो आप वहाँ से प्ले करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब हमने इस पर स्प्रे कर दिया है बहुत अच्छे से, और दोस्तों ये आप शाम के समय करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दिन के समय अगर सूरज की रोशनी में करेंगे तो बहुत जल्दी इसका असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप शाम के समय ही करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।